पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, क्या भारत पीओके वापस ले सकता है? जवाब है हाँ, पर आखिर कैसे? पीओके को भारत से जो लाइन सेपरेट करती है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC। लाइन ऑफ कंट्रोल का सीधा अर्थ होता है कि यहाँ तक मेरे आर्मी ने कंट्रोल कर लिया तो ये मेरा इलाका, उससे आगे तुम्हारे आर्मी का कंट्रोल है तो वो है तुम्हारा इलाका। भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही माना है कि एक अनफिक्स्ड बॉर्डर है जिसे बदला जा सकता है, यानी अगर भारत चाहे तो अपनी जमीन को बढ़ा सकता है। वहीं क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है तो अगर भारतीय सेना पीओके में घुस भी जाती है तो इसे इंटरनेशनल सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और यूनाइटेड नेशन भारत के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं बना सकता है। और ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल आएगा कि अगर भारत पीओके को हथिया लेता है तो क्या पाकिस्तान, जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है, वो भारत के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं कर देगा? तो इस पे मेरा जवाब है कि हाँ, पाकिस्तान ऐसा कर सकता है और शायद पाकिस्तान ऐसा करेगा। मेरा हमेशा से मानना है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इंटरनल पॉलिटिक्स डिसाइड करता है। अगर भारतीय सेना पीओके जीत लेती है तो इमरान खान को हमेशा के लिए पाकिस्तान याद रखेगा एक फेल्ड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। वहीं पाकिस्तानी आर्मी चीफ पूरे देश में कहीं पर भी दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि पूरा देश सवाल पूछेगा कि आर्मी चीफ अगर अपने देश के एक हिस्से को नहीं बचा पाए तो फिर किस काम के आर्मी चीफ। तो अपने आप को पॉलिटिकली जिंदा रखने के लिए हो सकता है पाकिस्तानी लीडर्स ये डिसाइड करे कि भारत के ऊपर हम न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे जिससे भारत पीछे हट जाए और कश्मीर को, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को छोड़ दे। पर अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो वहां के लीडर्स को उसका परिणाम मालूम है, उस दिन को हमेशा के लिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में काले दिन के तौर पर लिख दिया जाएगा, क्योंकि इस काम का जो परिणाम होगा वो ना सिर्फ पाकिस्तान या भारत बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर अपना असर दिखाएगा। तो उसके बाद भी पाकिस्तानी आवाम अपने लीडर से पूछेगी कि क्या मिला तुम्हें एक कश्मीर के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करके, तो सत्ता तो उनके हाथ से तब भी छीन लिया जाएगा। अगर पाकिस्तानी लीडर्स में और आर्मी चीफ्स में थोड़ी सी भी अकल होगी तो वो इस युद्ध को कभी भी एक न्यूक्लियर युद्ध में नहीं तब्दील होने देंगे और इसे कन्वेंशनल वॉर ही रहने देंगे। तो अब समझते हैं कि कैसे भारत एक कन्वेंशनल वॉर की मदद से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है, उसे भारत में वापस ला सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ वर्ल्ड टॉक्स पे। अब से सभी इंटरेस्टिंग आर्मी के फुल वीडियोस वर्ल्ड टॉक्स पे अपलोड होंगे, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कुछ लोगों का कहना है कि पीओके ले करके होगा क्या? पीओके एक बेकार सा पहाड़ी इलाका है जिसे ले भी लिया तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो वॉर गेमिंग स्टार्ट करने से पहले ऐसे लोगों को मैं जवाब दूंगा पीओके की ज्योग्राफी समझा के और उसका ज्योग्राफिकल एडवांटेज बता के। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान ने दो इलाकों में बांट रखा है, एक नीचे वाला हिस्सा है जिसे वो आजाद कश्मीर बुलाते हैं और एक ऊपर वाला पहाड़ी इलाका है जिसे वो गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं। आजाद कश्मीर भी बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा भारत के लिए है गिलगित बाल्टिस्तान। ये वही इलाका है जहाँ बड़े बड़े माउंटेन पीक्स मौजूद है जिनके ऊपर जा करके बैठना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होता है। वहीं दूसरी तरफ ये गिलगित सीधे अफगानिस्तान को छूता है, तो अगर भारत का इसके ऊपर कंट्रोल हो जाता है तो भारत को सीधे एंट्री मिल जाएगी अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान के थ्रू पूरे सेंट्रल एशिया में और यूरोप में। तो भारत को ईरान में चाबहार पोर्ट बना के और वहां से आगे रोड बना के बेकार के झंझट उठाने की जरूरत नहीं है, भारत सीधे अपने ही जमीन से बैठे हुए यूरोप के साथ ट्रेड कर सकता है। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर गिलगित के ऊपर कंट्रोल हो जाता है तो भारत पाकिस्तान और चीन को सेपरेट कर देगा, यानी ये वही रीजन है जिसके थ्रू पाकिस्तान और चीन कनेक्टेड है। अगर इसके ऊपर भारत का कंट्रोल हो गया तो पाकिस्तान और चीन जमीनी तौर पे कनेक्टेड नहीं रह जाएंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा सपना होगा कि उसका अपने माई बाप चीन के साथ कनेक्शन टूट जाए। इस युद्ध को लड़ेंगी तो भारतीय आर्मी और एयरफोर्स, लेकिन इस युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी इंडिया की नेवी। भारत को सीधे तौर पे 1 से 1.5 लाख सैनिकों को सीधे LOC के पास तैनात करना होगा। वहीं करीब 1 लाख और सैनिक जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के रीजन में बैठे होंगे बैकअप के तौर पे। भारत को प्रोटेक्शन के तौर पे पूरे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे ही अपने सैनिकों को तैनात करना होगा। चीन की CPEC की सड़क गिलगित बाल्टिस्तान से होके गुजरती है, तो अगर इस रीजन में भारत का कब्जा होता है तो चीन का भविष्य खतरे में आ जाएगा, इसीलिए इस युद्ध में चीन का उतरना भी निश्चित है। तो भारत को LAC और पूरे चाइनीज बॉर्डर के ऊपर भी अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ाना पड़ेगा ताकि चाइना की तरफ से होने वाले किसी भी एग्रेशन को हम वहीं पे रोक सकें। भारतीय सेना पीओके में घुसने के लिए इन्फेंट्री प्लस आर्टिलरी का मूव अपना सकती है और इन दोनों को बैकअप देगी इंडियन एयरफोर्स। सबसे पहले इजरायली लेजर गाइडेड बॉम्ब से लदे भारतीय फाइटर जेट्स पीओके में एंटर करेंगे और बॉर्डर से सटे हुए जितने भी इंपॉर्टेंट एयर बेसेस और रडार स्टेशन से उन्हें मार गिराएंगे। उसके बाद जितने भी मिलिट्री के एम्यूनिशन रखने की जगह है उन सबको डिस्ट्रॉय करेंगे। एयरफोर्स जिस हिस्से में तबाही मचा के आएगी वहां पे फिर आर्टिलरी फायर
खोल दिया जाएगा, यानी हमारे जितने भी तोपे उसी इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देंगे, जिससे पाकिस्तानी सेना की कमर और भी ज्यादा टूटने लगेगी। इस आर्टिलरी फायर के साए में भारतीय सैनिक धीरे धीरे करके अंदर घुसेंगे पीओके के और इम्पोर्टेंट लोकेशन पे कब्जा करना शुरू करेंगे। इसी सेम स्ट्रेटेजी को भारत पूरे युद्ध के दौरान कंटिन्यू करने वाला है, लेकिन जैसे ही गिलगित बाल्टिस्तान छिनता हुआ दिखाई देगा, युद्ध में एंट्री करेगा चीन, और चीन का पहला टारगेट होगा सियाचिन। सियाचिन एक ट्रायंगल की तरह है, जिसके एक फेस पे तो भारत मौजूद है, लेकिन दूसरे फेस पे है पीओके जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और तीसरे फेस में साक्सगाम वैली जो कि चीन के कंट्रोल में है। साक्सगाम वैली पीओके का ही हिस्सा है, यानी पीओके का तीसरा हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट के रूप में दे दिया था। पाकिस्तान और चीन मिलकर के एक सिंक्रोनाइज अटैक करेंगे, जहां एक तरफ पीओके की तरफ से पाकिस्तानी आर्मी आगे बढ़ेगी, साक्सगाम वैली की तरफ से चाइनीज सोल्जर्स आगे बढ़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ काराकोरम पास का इस्तेमाल करते हुए यानी अक्साई चीन की तरफ से भी चाइनीज सैनिक आगे बढ़ेंगे। इस तरह से मूव करने पर वो सियाचिन को भारत से काट सकते हैं और आसानी से सियाचिन के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। ऐसा होने पर भारत सरकार के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनेगा और चीन प्रेशर बनाएगा कि भारत पीछे हटे, तभी हम सियाचिन को छोड़ेंगे। पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, चीन का सलूशन भारत के पास है। भारत चीन को बड़े ही प्यार से समझा सकता है कि अगर चीन इस मैटर से दूर रहता है, तो जिस दिन चीन ताइवान के ऊपर हमला करेगा, उस दिन भारत भी चीन के मैटर में नहीं बोलेगा और पूरी दुनिया से कहेगा कि ये चीन और ताइवान का इंटरनल मैटर है। और अगर तब भी चीन नहीं मानता है, तो उसके बाद काम आएगी भारत की नेवी। इसी मौके को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा था कि इंडियन नेवी इस युद्ध में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगी। भारत के पास इस वक्त दो एयरक्राफ्ट कैरियर है। मान लेते हैं कि युद्ध के समय तक भारत अपने INS विक्रांत को ऑपरेशनल कर लेता है, तो भारत का एक एयरक्राफ्ट कैरियर सीधे पहुंच जाएगा पाकिस्तान का नेवल ब्लॉकेड करने, वहीं भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में रहते हुए चाइना का ट्रेड ब्लॉकेड करेगा। यानी इंडियन ओशन में भारत अपने युद्ध पोतों का एक ऐसा जत्था खड़ा कर देगा जो किसी भी चाइनीज शिप को इस जगह से उस जगह जाने नहीं देगा, और ये चाइना का सबसे बड़ा डर है। इसी डर को काउंटर करने के लिए चाइना CPEC की सड़क बना रहा था। चीन सीधे अपने सबमरीन्स को और अपने युद्ध पोतों को इंडियन ओशन में भेज देगा भारतीय नेवी फ्लीट से लड़ने के लिए। पर जैसे ही भारतीय नेवी के P-8 पोसाइडन विमान 2-3 चाइनीज सबमरीन्स को डुबा देते हैं और भारत के युद्ध पोतों के हाथों 2-3 चाइनीज युद्ध पोत का दाह संस्कार हो जाए, तो चाइना बड़ी ही आसानी से समझ जाएगा कि भारत इस इलाके में तैयारी करके आया है, और चीन के लिए अचानक से अपने नेवी को युद्ध के लिए तैयार करना और इंडियन ओशन में भेज देना बहुत ही बेवकूफी भरा कदम है। चीन एक ऐसा देश है जिसे जैसे ही पता चला कि भारत की स्थिति मजबूत है, वो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेगा और भारत से प्यार भरी बातें करने लग जाएगा। चीन भारत के साथ डील कर लेगा कि भारत अपनी नेवी ब्लॉकेड को हटा दे और चीन भी अपने सैनिकों को सीमा से पीछे खींच लेगा। बदले में भारत चीन को एश्योरेंस भी दे सकता है कि एक बार गिलगित अगर भारत के हाथ में आ गया, तो CPEC प्रोजेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और चीन का चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाएगा। अब बचा पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर जो नेवल ब्लॉकेड करेगा भारत, वो गरीबी में आटा गीला होने जैसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे ही आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। पाकिस्तान के पास कुछ ही हफ्तों का पैसा बाकी है। ऐसे में अगर उसका ट्रेड ब्लॉकेड भी हो जाता है, तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। युद्ध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटरनेशनल प्रेशर। जहां तक अमेरिका की बात है, तो हो सकता है जो बाइडेन भारत का विरोध करे। भारत को अमेरिका से काफी ज्यादा फायदा मिलता है, वहीं भारत एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है, तो अमेरिका भी भारत के ऊपर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं बनाएगा। और जहां तक बात रही फ्रांस की और रूस की, तो ये दोनों तो मौजूद ही है UNO में भारत के लिए वीटो करने के लिए। तो इंटरनेशनली भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने आप को काफी अच्छे पोजीशन पे ला करके खड़ा कर दिया है। पर काफी लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने का खून खराबा ही एकमात्र सलूशन है? क्या भारत बिना खून खराबा के POK वापस नहीं ले सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, भारत नॉन मिलिटेरिली भी POK को वापस ले सकता है। POK की जनता वैसे भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहती है और हमेशा से पाकिस्तान सरकार से आजादी मांगती रही है। वहीं चाइनीज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होने के बाद वहां की जनता और भी ज्यादा डरी हुई है। उन्हें लगता है कि जैसे साक्सगाम वैली को पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया, वैसे ही गिलगित बाल्टिस्तान को भी चीन के हाथों बेच दिया जाएगा। भारत इस डर का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और वहां की जनता को एक प्लेटफॉर्म दे सकता है, जिससे उनकी आवाज और भी ज्यादा मजबूत हो, वहां पे विरोध और भी ज्यादा तेज हो और वहां पे एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए। अगर सेम चीजें पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं पाकिस्तान के खिलाफ सेम चीजें करेगा? क्या भारत सिर्फ सहने के लिए बैठा है? इस इलाके में चाइनीज प्रोजेक्ट्स और चाइनीज इंजीनियर्स पे हो रहे हमलों को देखते हुए लगता है कि यहां पे गुस्सा बहुत तेजी से भड़क रहा है और देखते ही देखते ये विरोध एक विद्रोह का रूप ले लेगा। तो यहां पाकिस्तान हमें एक बहुत बड़ी सीख दे जाता है और ये सीख ये है कि हमें युद्ध सिर्फ सीधे सीधे नहीं लड़ना, युद्ध लड़ने के और भी तरीके होते हैं और हम सीधे तौर पर हथियार उठाए बिना भी बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं, जैसा पाकिस्तान पिछले 20-30 सालों से भारत में मचाता आ रहा है। अगर आप मुझसे पूछे तो इसका कोई एक तरीका नहीं है, इसमें हमें हार्ड और सॉफ्ट को मिला करके चलना होगा। जैसा कि 1971 में हुआ था, जब जनता अपनी सरकार के खिलाफ भड़क गई, तो मौके
मौके का फायदा उठाते हुए भारत ने बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। ठीक उसी तरह जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो इंटरनल विद्रोह है वो अपने चरम सीमा तक पहुंच जाएगा तो भारत उस मौके का फायदा उठाते हुए मिलिटरीली इंडियन आर्मी इस चैप्टर को हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। यानी इस युद्ध को शुरू तो करेंगे पीओके के लोग लेकिन इसे खत्म करेगी भारत की सेना। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो एक लाइक जरूर देते जाइएगा और वर्ल्ड टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए क्योंकि इंडिया टॉक्स पे जितने भी लंबे आर्मी से जुड़े हुए वीडियोस थे वो सब अब इसी पे रोजाना अपलोड होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।